तो वैसे तो हम अपने कैमरा के लिए काफ़ी एक्सेसरीज ऐसी लेते हैं जो शायद कभी यूज़ भी नहीं होती या शायद साल में 2-3 बार हम उसको यूज़ कर लेते हैं। बट आज मैं एक ऐसी एक्सेसरी के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपके कैमरा और स्पेसिफिकली लेंस को प्रोटेक्ट करता है, और आई एम श्योर आप नहीं चाहते कि आपका जो लेंस है वो कुछ इस तरीके से दिखे जहाँ पर पूरा फंगस आ रखा है लेंस में, बिकॉज ये एक बहुत सीरियस इशू रहता है। क्योंकि ये मतलब अभी पिछले 9 सालों से तो मैंने आज तक कभी एक्सेसरी यूज़ नहीं करी, बट जब मुझे लगा कि मेरे जो गियर्स हैं लेंस और कैमरा स्पेशली वो इतने एक्सपेंसिव हो रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो डैमेज हो, और स्पेशली जो मेरा लेंस है उसमें अगर एक भी लेंस पे फंगस आना शुरू हो गया और जहाँ भी मैं अपने सारे लेंसेज को स्टोर कर रहा हूँ चांसेस हैं कि वो बाकी सारे लेंसेज एंड इवन कैमरा में ट्रांसफ़र हो सकता है, और वो मैं नहीं चाहता, आई एम श्योर आप भी नहीं चाहते होगे। इसीलिए रिसेंटली मैंने एक ऐसे कैमरा एक्सेसरी में इन्वेस्ट करा है विच इज़ ओवर हियर। ये है कैमरा कैबिनेट, इसको ड्राई कैबिनेट बोलते हैं, डीह्यूमिडिफायर काफ़ी नाम है। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, ये जो आपके लेंसेज या कैमरा में ह्यूमिड में क्या होता है कि ह्यूमिड में फंगस प्रिवेल करता है, और जैसे ही आपके रीजन में आप जहाँ रहते हो आपकी सिटी में या कंट्री में अगर ह्यूमिड लेवल एक परसेंटेज से काफ़ी ज़्यादा हाई या काफ़ी लो चले जाता है तो चांसेस हैं कि आपके लेंस में फंगस आ सकता है या फिर हमारे जो लेंस का जो रबर होता है वो भी एक्सपैंड होकर या वो ख़राब होना शुरू हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ड्यूह्यूमिडिफायर आता है या फिर ड्राई कैबिनेट इसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जितना भी अभी अवेलेबल ह्यूमिड लेवल है, लेट्स सपोज अभी यहाँ पे मेरे ह्यूमिड लेवल दिखा रहा है 31, तो मैं अगर यहाँ पे एक वैल्यू सेट कर देता हूँ, यूजुअली ह्यूमिडिफायर में 40-45% बोला जाता है कि हमारे लेंसेज और कैमरास के लिए एक सही लेवल रहता है विच इज़ ह्यूमिड लेवल। तो अगर मैं यहाँ पे उसको सेट कर दूंगा 45% पे, तो ये क्या करेगा, इसको धीरे धीरे उस पर मेंटेन करेगा, ना उससे ऊपर लेके जाएगा ना नीचे लेके जाएगा, और जो मेरा ह्यूमिड लेवल है उसको मेंटेन करके रखेगा। तो अगर आप ऐसे रीजन्स में रहते हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड रहती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया और काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है या ह्यूमिड होने के चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके लेंस में फंगस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने ये ह्यूमिडिफायर लिया था फरवरी मिड में, मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो चुके हैं जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने खुद परचेज किया था, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो ये फोटोन ब्रांड का है, ये एक सोल रीज़न ये था बिकॉज और भी 2 ऑप्शंस थे, बट इसका वारंटी अच्छा है। और मेजरली जब मैं ऐसी एक्सेसरीज लेता हूँ मैं ट्राई करता हूँ आफ्टर सेल सर्विस, अगर किसी का अच्छा है वारंटी है तो वो ऑप्शन के साथ चले जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स का सेम ही है पर्पस। तो सबसे पहली चीज़, जो बिल्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दिस इज़ लाइक वेरी स्टर्डी बिल्ट, और जो इसका ग्लास है दे आर सेइंग कि ये टेम्पर्ड ग्लास है। मैंने ट्राई नहीं करा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस पर कुछ ट्राई किया जाए कि भाई ये क्रैक होता है नहीं होता। तो एनीवेज इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर मॉडल है दिस इज़ 128 लीटर, इसमें आई थिंक 50 लीटर्स भी आता है, 80 लीटर्स बहुत कॉमन है, 128 ये वाला है, इससे ऊपर आई थिंक 150 और 180 भी आता है, बट मेरे यूज़ के हिसाब से 128 इज़ गुड इनफ। इसके अंदर मैंने काफ़ी लेंसेज कैमरास रखे हुए हैं, और एक तरीका और मैं आपको बता दूं, अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई कैसे डिसाइड किया जाए कि कितने लीटर का ह्यूमिडिफायर लेना चाहिए डीह्यूमिडिफायर, तो बेस्ट तरीका ये है जितने आपके पास अभी करंट गियर्स है ना आप ट्राई करो उनको स्टोर करके देखो, उससे डबल स्पेस अगर मिल रही है तो वो ले लो, मैंने तो यही अप्लाई किया था। तो अभी इसके अंदर मैंने कुछ गियर्स अपने रखे हुए हैं, तो ये ऊपर वाली शेल्फ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें कितना स्पेस है। दिस इज़ लाइक कैनन का 800mm लेंस जो है, इट इज़ वेरी लॉन्ग लेंस, और मैं ईजिली इसको इस तरीके से स्टोर कर सकता हूँ, तो इसका जो स्पेस है काफ़ी अच्छा है 128 लीटर का। तो ऊपर मैंने 2 लेंसेज रखे हुए हैं, ये है मेरा सिग्मा का 105mm 1.4, तो ये ऊपर यहाँ पे ना मुझे ये पैडिंग मिला हुआ है जिसके ऊपर मैं 4 लेंसेज रख सकता हूँ, नीचे हर जगह मुझे इस तरीके से ये एक मटेरियल है विच इज़ फोम, तो ये फोम का पैडिंग है हर एक शेल्फ में जो इंश्योर करता है कि मेरा जो भी गियर मैं रख रहा हूँ वो डैमेज ना हो स्टोर करते हुए। तो उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा थर्मोकॉल लगा हुआ है जो मैंने अभी तक हटाया नहीं है क्योंकि इसको मैं अभी कहीं ना कहीं मूव करते रहता हूँ तो ये ट्रे स्लाइड होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने ये लगा रखा है। तो कमिंग ऑन टू ट्रेस, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जो इंडिविजुअल इन टोटल इस पर्टिकुलर मॉडल में 4 ट्रेस हैं, तो मैं इसको निकाल के बेसिकली इस तरीके से निकाल सकता हूँ, अपने गियर्स रख सकता हूँ, वापस ये जो ट्रे है मेरी ये इस तरीके से वापस चली जाएगी। पर एक चीज़ जो मुझे इस पर्टिकुलर मॉडल में अच्छा लगा दैट इज़ एडजस्टेबल है, ट्रे का जो हाइट है वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर अलग अलग लेवल्स दिए हुए हैं, तो अगर मुझे किसी पॉइंट पर लगता है कि मुझे कैप ज़्यादा रखना है, मेरा लेंस के साथ कैमरा बॉडी आ रहा है, तो मैं वो भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इन टोटल मुझे 1, 2, 3, 4, 5 लेवल्स मिलते हैं।
अपने गियर स्टोर करने के। यहाँ पे मैंने कुछ और लेंसेज और कैमरा बॉडी रखे हुए हैं। और एक बढ़िया चीज़ क्या है, अगर मैं इसको बंद करता हूँ, अभी आप देखोगे यहाँ LED ऑन है, तो मैं ये ऊपर वाले बटन से LED ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ। स्पेशली अगर मैं लो लाइट में अपने गियर्स देखना चाहता हूँ, भाई कौन सा लेंस कहाँ रखा है, अगर मुझे जल्दी निकालना है, तो वो यहाँ से रख सकते हैं। और देखने में भी कूल लगता है, तो हमेशा इसको मैं ऑन ही छोड़ देता हूँ। कमिंग ऑन टू, यहाँ पे आपको ये डिजिटल फीचर्स यहाँ पे कुछ दिखेंगे। सो लेफ्ट साइड में मुझे अभी टेम्परेचर दिखा रहा है कि इस कैबिनेट के अंदर कितना टेम्परेचर है, दैट इज़ अराउंड 26.5 डिग्री सेल्सियस। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी देख सकते हैं, बट हम यूज टू हैं सेल्सियस से, तो मैं उसी में मेजर करता हूँ। राइट साइड में अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे, इट इज़ सेइंग 31 RH, तो ये है अभी मेरा जो ह्यूमिड लेवल जो करंट है 31% है। अब यहाँ पे मैं सेट को प्रेस करके, दो बार प्रेस करके मैं यहाँ पे वैल्यू दे सकता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि 40-45 इज़ अ गुड वैल्यू, तो मैंने इसको 45% पे सेट किया हुआ है, तो ये 45 से ऊपर नहीं जाएगा, इंश्योरिंग कि अगर फॉर एग्जांपल 50 या 55% भी ह्यूमिड लेवल जाता है ना, कहीं स्टेट्स में तो 80% तक जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके लेंस के अंदर अगर ह्यूमिडिटी की वजह से फंगस आ सकता है, तो ये उसको प्रिवेंट करता है। तो मेन पर्पस इसका है कि भाई आपके जो गियर्स हैं, पहली चीज़ स्टोरेज मिल गई, दूसरा ह्यूमिड मेंटेन होगा, और तीसरा डस्ट फ्री रहेगा, डस्ट नहीं आएगा अंदर। और जब मैं गियर्स अंदर स्टोर कर देता हूँ, आई विल मेक श्योर कि मैं इसको ज़्यादा बार ओपन या क्लोज ना करूँ, बिकॉज उससे भी क्या होता है, जब अंदर एक ह्यूमिड लेवल मेंटेन होता है और मैं इसको ओपन करता हूँ, तो वो एकदम एक तरह से पूरा रीसेट हो जाता है, फिर से इसको कुछ टाइम लगता है। तो दैट इज़ इट। एंड में यहाँ पे दो चाबियाँ दी गई हैं, तो इसको क्या है कि मैं लॉक करके भी कहीं जा सकता हूँ, तो अभी ये पूरा लॉक्ड है, इसको कोई ओपन भी नहीं कर सकता। और ये टेम्पर्ड ग्लास है, तो वो एक थोड़ा सेफ्टी के लिए एक मुझे ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ डीह्यूमिडिफायर के बेनिफिट्स की, है बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए, ड्रॉबैक्स मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा, बिकॉज इतने 2-3 महीने में नहीं पता लगता, और फंगस अभी तक मेरे कैमरा लेंसेज में इतने सालों में नहीं आया था, अभी भी नहीं आया। बट इट्स जस्ट दैट जब आप इतना इन्वेस्ट करते हो अपने गियर्स में, तो आपको लगता है कि उसकी सेफ्टी के लिए भी एक ह्यूमिडिफायर या ड्राई कैबिनेट होना चाहिए। दैट्स द रीज़न मैंने भी ये लिया। मुझे ये अराउंड 20,000 का पड़ा था, और मॉडल्स भी आते हैं, इससे छोटा भी है, इससे बड़ा भी है। मैं जो लिंक्स होंगे अमेज़ॉन के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसको हमेशा पावर पे ऑन रखना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो अगर आप ये पूछोगे भाई क्या बिल में कुछ फ़र्क आता है, वो मैंने नहीं देखा, बिकॉज बहुत चीज़ें घर में चलती हैं, एसी वगैरह, तो इसका अलग से कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। बट हाँ, हमेशा इसको ऑन रखना पड़ेगा, स्पेशली जब आपको लग रहा है कि ह्यूमिड लेवल्स वेरी कर रहे हैं। सो दैट्स इट। आई होप इस तरह की वीडियोस आप आगे भी अगर चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। बहुत ऐसे इक्विपमेंट्स एसेसरीज हैं जो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, जो अभी तक मैंने यूट्यूब पे नहीं बनाया। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।